भारतीय वायुसेना इस वक्त चर्चा में है, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में जाकर स्ट्राइक को जो अंजाम दिया था उसकी दुनिया भर में तारीफ हो रही है। भारतीय वायुसेना को शक्तिशाली बनाते हैं इसके हथियार और इसके जवान। वायुसेना में भी पद एक अहम क्रम होता है जिसके अनुसार किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है और काम किए जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वायुसेना में रैंक का क्या क्रम होता है, तो चलिए जान लेते हैं। मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, ये वायुसेना का सर्वोच्च पद होता है। यह सेना के फील्ड मार्शल की तरह है जो कि समान रूप से किसी भी ऑफिसर को दिया जाता है। ये पद फाइटर स्टार रैंक के रूप में जाना जाता है। अभी तक अर्जन सिंह वायुसेना के ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें इससे सम्मानित किया गया था। एयर चीफ मार्शल, वैसे तो चीफ मार्शल वायुसेना में सर्वोच्च पद होता है। ये 4 स्टार वाली रैंक होती है। वर्तमान में वीरेंद्र सिंह धनोआ एयर चीफ मार्शल यानी वायुसेना अध्यक्ष हैं, जो दिसंबर 2016 से इस पद पर हैं। एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल में जूनियर पद एयर मार्शल होता है और इसे 3 स्टार वाली रैंक कहा जाता है। इस पद पर आसीन अधिकारी के एयर चीफ मार्शल की वर्दी से एक कम पट्टी होती है। एयर वाइस मार्शल, एयर वाइस मार्शल के पद को वायुसेना का 2 स्टार वाला पद कहा जाता है। इनकी वर्दी पर एक ब्लू और काली पट्टी के साथ एक पट्टी और होती है। एयर कमोडोर, एयर कमोडोर एयर वाइस मार्शल से जूनियर और ग्रुप कैप्टन रेंज से सीनियर अधिकारी होता है। उनकी वर्दी पर एक काली और ब्लू रंग की पट्टी होती है। ग्रुप कैप्टन, ये सेना के कर्नल के बराबर का पद है और यह एक सीनियर कमीशन वाला पद है। इनकी वर्दी पर 4 पट्टी लगी होती है। विंग कमांडर, विंग कमांडर का पद ग्रुप कैप्टन से नीचे होता है। भारतीय पायलट अभिनंदन भी वायुसेना की इसी विंग कमांडर से बिलोंग करते हैं, यानी कि वे विंग कमांडर हैं। स्क्वाड्रन लीडर, स्क्वाड्रन लीडर विंग कमांडर से जूनियर पद होता है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट, ये वायुसेना का एक कमीशन प्राप्त पद है जो स्क्वाड्रन लीडर के बाद आता है। फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइंग ऑफिसर भी एक कमीशन प्राप्त पद है। ये जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारी के बाद सबसे जूनियर पद है। यही नहीं, इसके बाद भी जूनियर कमीशन स्तर पर कई पद आते हैं। इसमें फ्लाइंग मास्टर वारंट ऑफिसर्स, वारंट अधिकारी, जूनियर वारंट ऑफिसर शामिल है। इसके बाद सर्जेंट, कॉर्पलर, रीडिंग एयरक्राफ्ट मैन, एयरक्राफ्ट मैन के पद होते हैं। तो इस तरीके से होती है इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय एयरफोर्स की रैंक। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी वैसे क्या राय है जरूर हमें लाइक और कमेंट के माध्यम से बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और डिसलाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। टेक्निकल अस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और हमारे वीडियोस की लेटेस्ट जानकारी पाएं।